क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। अ कोण ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। सो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और आपके पास फिर एक कोण है। ठीक है, आपके पास ये कोण हो गया। ठीक है, ये जो कोण है सेंटर पर, ये सपोज को सेंटर ओ है, सेंटर पे ना कितने एंगल बनाता है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर। यहाँ पे ये जो एंगल है बेटा, यहाँ पर ये बनाता है 120 डिग्री का, और जो रेडियस हमारे पास है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनसे क्या बोल रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा है, यहाँ ये सेगमेंट बन रहा है, देखो बेटा मैं इसको वाइट वाइट कर दे रहा हूँ, ये आपको एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रखा है बच्चों, हमें गिवन दे रखा है जो थीटा है हमारे पास वो 120 डिग्री है, और जो रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक चीज़ टिपिकल दे रखी है, वो 120 डिग्री। आपको जो आंसर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो मान पता है वो 0 डिग्री का पता है, 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, 120 का नहीं पता है। तो कई बच्चे इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं, 120 की वैल्यू डायरेक्टली याद करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको मैं बोलूँ आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़ोगे ये वो होता है 2 sin θ/2 / cos θ/2। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, थीटा के प्लेस पे 120 डिग्री है, तो 2 sin 120 डिग्री / 2 cos 120 डिग्री / 2। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका cos 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 3/√3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यह आ जाएगा √3/2, यानी कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे क्वेश्चन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना। नेक्स्ट पार्ट में फॉर्मूला रखना है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r² साइन थीटा, दैट्स इट। अब हमें वैल्यू पुटअप करनी है, थीटा हमारे पास है 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 1.34 रखनी है, रेडियस हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर 1/2, फिर है 12 का स्क्वायर साइन 60, अच्छा साइन 120 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 12 3 0, ठीक है, सो ये है 3.14, 12 × 12/3, 3 × 12 और यहाँ आ जाएगा बेटा 144/2, और साइन 120 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 × 4, ठीक है, 4 से काटोगे तो यह आ जाएगा, हाँ 2 × 2 = 4 ना, 36 12 36 12, 4 × 24, ठीक है, सो यहाँ बचा कितना, 12 × 48, 3.14 × 12 × 48, और ये 36 √3 की वैल्यू रखनी है 1.73। इससे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 150.72, और इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 62.28। इसमें से जब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए बच्चों।